दोस्तों, आज का मेरा पहला ब्लॉग रहेगा मेरा वर्किंग साइट का, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ आज से। मतलब जैसे कटिंग उटिंग इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, तो वही काम को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे चल रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि जैसे मैं एक साइट लिया हूँ काम के लिए, तो उसको मैं कटिंग उटिंग कर रहा हूँ तो वायरिंग का। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और देखते रहिए। आज जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ साइट को मैं आपको दिखाऊँगा, मेरा ब्लॉग में वही आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, हाँ ये हो गया पार्किंग एरिया। ऊपर डब्बा में पॉइंट दे दिया गया है। ये अपना मेन्सी वाला एरिया हो गया, वहाँ पे बैठ जाएगा मीटर का बोर्ड सब लाइन से। ये मेन लाइन कटिंग हो चुका है, ऐसे करके ऐसे करके। हमारे डीवी से पाइप छोड़ दिया ढले के समय में, वहाँ से एक सर्किट अंदर जाएगा। बाकी दो फ्लोर के लिए ऊपर चार पाइप एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ। ये पार्किंग एरिया है, जितना कार वार रहेंगे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पर ही तो बोर्ड दे दिया गया है। लाइटिंग सब सीलिंग में दिया गया है, बाहर के लिए कटिंग किया गया है। ये बाहर वहाँ से फिर आया है ऐसे करके, वो मोटर के लिए एक गया है जो सबमर्सिबल मोटर रहेगा। यहाँ एक मोटर रहेगा, प्लग वहाँ दिया गया ऐसे करके। यहाँ स्विच और ये बाहर का कॉलिंग बेल जो दो फ्लोर, उसका स्विच इस तरफ रहेगा और उस कोना में एक तो कॉलिंग बेल रहेगा जो इस तरफ का फोन रहेगा। ये रूम का देखिए कटिंग दिखा रहे हैं। रूम के अंदर में ऐसे घुसेंगे, यहाँ एक सर्किट बोर्ड रहेगा जो रूम सेपरेट होगा। बाकी डीवी से तार लाए हैं हम लोगों, एक बोर्ड वहाँ दिए हैं, एक बोर्ड यहाँ है। वॉल मेक पॉइंट हो जाएगा, वॉल मेक पॉइंट उसके बाद यहाँ पर ही पॉइंट, ये मेन स्विच बोर्ड हो जाएगा जो घुसते साथ स्विच बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद जैसे आएंगे ये बेडरूम में, तो बेडरूम में अंधेरा है, उसके साथ यहाँ एक स्विच बोर्ड हो गया और वो एक कटिंग किया गया है टीवी का वायर जाने के लिए। और उस अंदर में एक उस कोना में एक एसी का पॉइंट रहेगा, एक ट्यूबे स्विच का बोर्ड रहेगा उस कोना में। इधर एक रहेगा आपका फ्रिज व्रिज वगैरह के लिए, और एक टीपू के अंदर में गीजर रहेगा। जैसे इधर से आएंगे तो फिर एक गली में जाने के लिए एक लाइट का पॉइंट वहाँ दिया गया है। फिर बाथरूम है, बाथरूम में एक फेसिंग का पॉइंट रहेगा। घुसते तो यहाँ स्विच बोर्ड, वहाँ एक लाइट, वहीं जस्ट फिर बाथरूम में इतना है। गीजर ऊपर रहेगा तो वहाँ से लगे गीजर का स्विच यहाँ मिलाना होगा। उसे यहाँ पे किचन का बोर्ड, ये वाला सर्किट वहाँ से हम लोग डीवी से मिला दिए हैं। एक कटिंग करके वहाँ एक एक्वा गार्ड, फिर वहाँ किचन के लिए एडजस्ट फैन, फिर यहाँ एक लाइट ऐसे आया। यहाँ स्लैब्स होते हुए ऐसे 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 करके वहाँ एक पॉइंट, और ए वाला ऐसा करके किया ऐसा करके एक तो बाहर। वहाँ कूलर या फ्रिज कुछ भी रखेगा और वहीं से एक होल करके बाहर कॉलिंग बेल, इस घर का स्विच मारेगा यहाँ से उस घर का उस तरफ, इस कोना में रहेगा एक तो। और ये सीलिंग में हम लोग लाइट दे दिए पंखा और मेजरमेंट करके। वहाँ दो पॉइंट, इस जगह का नाम है आपका छेंड। ये एक पार्क है, पार्क का बगल मेला साइड चल रहा है। अभी हम लोग का कटिंग उटिंग का काम चल रहा है। हम और मेरा भाई दो जन मिलकर हम लोग काम करते हैं, तो अभी देखते जाइए। अभी इतना ही आज का वीडियो के लिए, हम लोग का फर्स्ट ब्लॉग है वाला, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग का फर्स्ट ब्लॉग है। तो जैसे वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है कि हम यहाँ कटिंग उटिंग कैसे किए हैं, तो ये कटिंग अभी चल रहा है, बाद में पाइप का वीडियो भी अपलोड होगा। तो अभी आप ये वीडियो को ऑल इज वेल शेखर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाले वीडियो में आपको सब मिलेगा नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।